हेलो एवरीवन, वेलकम। नाउ वी विल स्टडी द सब्जेक्ट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोथेरेपी ऑफ DRT पार्ट सेकंड। रेडियोथेरेपी में आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक है अपना रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। जैसा कि अपना जो लास्ट टॉपिक था वो था रेडियो एक्टिविटी, वहाँ पे भी हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। दैट मीन्स कि जो रेडियो एक्टिविटी की जो प्रोसेस होती है वो ही किस में होती है, आपकी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में होती है। या फिर अपन बात करें कि अपना जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ पे अपन बात करते हैं रेडियो एक्टिव सोर्सेज की, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव अगर सोर्सेज की बात की जाए तो दैट मीन्स वो सोर्स जहाँ से आपको रेडिएशन मिल रही है। तो रेडियो एक्टिव सोर्सेज के अंदर वो सोर्सेज भी आते हैं जो आपके आर्टिफिशियल, फॉर एग्जांपल जो आपके एक्सरे की ट्यूब है वो भी क्या एक प्रकार से एक रेडिएशन का सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स है। तो यहाँ पे अपन रेडियो एक्टिव सोर्सेज की बात ना करके अपन बात करेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात करने से पहले अपन बात करते हैं केवल और केवल आइसोटोप्स की, कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आपकी पीरियोडिक टेबल है, एलिमेंट्स है, वहाँ पे हर एलिमेंट का एक अलग एटॉमिक नंबर है और एक अलग एटॉमिक वेट होता है। बट अगर अपन बात करें वहाँ पे आइसोटोप्स की, तो आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास, दैट मीन्स एटॉमिक उनका भार जो वेट है वो उनका डिफरेंट होता है, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। आइसोटोप्स को एक बार दोबारा से समझना, आइसोटोप्स वो एलिमेंट दैट मीन्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास की बात की जाए तो वो उनका अलग अलग होता है। वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ऑब्वियसली बात है कि अपन रेडियो एक्टिविटी से यहाँ पे डील करेंगे, रेडियो एक्टिव सोर्सेज से डील करेंगे जहाँ से आपको रेडिएशन मिल रही है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐसे हैं जो कि आपके क्या रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, दैट मीन्स स्पॉन्टेनियसली, जो कि अपने रेडियो एक्टिविटी में अपन ने बात की थी कि स्वतः उत्सर्जन वहाँ पे हमेशा 24 आवर्स क्या है, रेडिएशन एमिट होती रहती है। दैट मीन्स केमिकली जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटोप्स, ठीक है, ऐसे आइसोटोप्स जो कि अनस्टेबल हैं और वो स्टेबल कंडीशन में जाना चाहते हैं, और इसी रीजन से वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस होती है, और प्रोसेस होने के बाद में स्पॉन्टेनियसली स्वतः उत्सर्जन, दैट मीन्स और कंटिन्यूस लगातार वहाँ पे रेडिएशन एमिट होती रहती है। तो वो तत्व कौन से तत्व कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का अपने यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंस क्यों है, बिकॉज अपनी जो सबसे मेन जो अपना है रेडियोथेरेपी, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूमर, कैंसर, मैलेग्नेंट डिजीज, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट अपन जो भी रेडियो एक्टिव सोर्सेज काम में लेते हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी काम में लेते हैं। अपन वहाँ पे डायग्नोसिस के अंदर अपन आपकी जो मशीनरीज हैं वो आप काम में लेते हो, एक्सरे ट्यूब काम में लेते हो, स्टेशनरी, रोटेटिंग जो भी हैं, बट जो आपका ट्रीटमेंट होता है ट्रीटमेंट में आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को एज ए रेडियो एक्टिव सोर्सेज काम में लेते हो। इस वजह से अपने डिपार्टमेंट में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को पढ़ना अपना इम्पोर्टेंट है। तो अब अपन बात करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आल्सो कॉल्ड रेडियो आइसोटोप, रेडियो न्यूक्लियाइड और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड, एनी ऑफ सेवरल स्पेसिस ऑफ सम केमिकल एलिमेंट विद डिफरेंट मासेज हुज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल एंड डिसिपेट एक्सेस एनर्जी बाय स्पॉन्टेनियसली एमिटिंग रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। दैट मीन्स कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उनके दो तीन नाम है, पहले तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम रेडियो आइसोटोप्स भी बोल सकते हैं, रेडियो न्यूक्लियाइड भी बोल सकते हैं और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अपन ने तीन या चार नाम इसलिए डिस्कस किए हैं बिकॉज अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आपका घुमा के आता है, उन्होंने आप वो आपसे रेडियो आइसोटोप्स के बारे में पूछते हैं, रेडियो न्यूक्लाइड के बारे में पूछते हैं या फिर रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड के बारे में पूछते हैं, तो आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। अब ये होते क्या हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। एनी ऑफ सेवरल स्पेसिस ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स, दैट मीन्स कुछ केमिकल एलिमेंट्स उनकी ये स्पेसिस होती हैं, ठीक है, विद डिफरेंट मासेज, इनका मास क्या होता है डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अपन ने स्पेसिस की बात कर ली, दैट मीन्स जिस केमिकल एलिमेंट की स्पेसिस होंगी
उतना ही इनका एटॉमिक नंबर होगा, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया, और इन्होंने बात किया विद डिफरेंट मासेज, और मास क्या है इसका, अलग अलग है, हुज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, और उनका न्यूक्लियाई दैट मीन्स जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, एंड डेसिपेट एक्सेस एनर्जी, और हमेशा क्या करते रहते हैं, एक्सेस अमाउंट में एनर्जी निकालते रहते हैं, बाय स्पॉन्टेनियसली एमिटिंग, स्वतः उत्सर्जन रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज, अल्फा बीटा गामा इन सब रेज के फॉर्म में वो रेडिएशन स्वतः उत्सर्जन कंटिन्यूसली एक्सेस एनर्जी, बिकॉज उनका जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल होता है, और जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनका मास डिफरेंट होता है, वो कुछ केमिकल एलिमेंट की स्पेसिस होते हैं, दैट मीन्स उनका एटोमिक नंबर सेम होगा। एवरी केमिकल एलिमेंट हैज़ वन और मोर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जो भी आपका केमिकल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में अगर अपन बात करें तो उसके हर एक के एक या फिर एक से ज़्यादा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें जिसका एटॉमिक नंबर अपना वन है, और सबसे हल्का जो एलिमेंट है अपनी पीरियोडिक टेबल में वो भी क्या है, हाइड्रोजन है। द लाइटेस्ट एलिमेंट हैज़ 3 आइसोटोप्स विच हैव मासेस नंबर 1, 2 एंड 3। अगर अपन यहाँ पे हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव या फिर ओनली आइसोटोप्स की अगर यहाँ पे बात करें, ओनली आइसोटोप्स नॉट रेडियो एक्टिव, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, एलिमेंट हैज़ 3 आइसोटोप्स, इसके कितने आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं विच हैव मासेज नंबर 1, 2 एंड 3, जिसका एटोमिक नंबर सॉरी मास क्या होगा, 1, 2 और 3, एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा। अब यहाँ पे इन्होंने केवल आइसोटोप्स की ही बात क्यों की, रेडियो एक्टिव की क्यों नहीं बात की, बिकॉज जो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3, तीन है आपके पास में, तीन में से केवल और केवल हाइड्रोजन 3 ही रेडियो एक्टिव होता है, बाकी के जो दो हैं हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 वो दोनों के दोनों स्टेबल कंपाउंड होते हैं, इस वजह से वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स नहीं कहलाते हैं। ओनली हाइड्रोजन 3 जिसका नाम है ट्राई टीएम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, द अदर 2 आर स्टेबल, दैट मीन्स कि जो बाकी के दो जो आइसोटोप्स हैं वो हम स्टेबल होते हैं, और जो हाइड्रोजन 3 है ट्राइटियम वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, दैट मीन्स वो रेडिएशन एमिट करता है। इसी प्रकार से मोर देन 18,000 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स आर नोन, इसी प्रकार से अलग अलग एलिमेंट्स के लगभग 1800 से ज़्यादा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जाने जाते हैं, या फिर हमें उनके बारे में पता है, दैट मीन्स आपको और मेरे को नहीं पता है, जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो आपकी स्टडी है उनको पता है कि 1800 से ज़्यादा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं। सम ऑफ दीज आर फाउंड इन नेचर एंड द रेस्ट आर प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, और जिनमें से कुछ तो आपके नेचर में पाए जाते हैं और कुछ लैब में या फिर साइंटिफिकली उनको प्रिपेयर किया जाता है। तो यहीं से आपकी वही बातें, रेडियो एक्टिविटी की बात हुई, रेडियो एक्टिविटी में अपन ने बात की नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की क्यों बात की, बिकॉज आपके पास दो रेडियो एक्टिव सोर्स थे, एक नेचुरल रेडियो एक्टिव सोर्स था और एक आर्टिफिशियल था, उन्हीं की बात दोबारा हो गई यहाँ पे, अब नेचुरल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। नेचुरल कौन से होंगे, नेचुरल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वो होंगे जो कि आपको नेचर में मिलेंगे, और जो बाकी के जो बच गए दैट मीन्स जो कि आर्टिफिशियली हैं, आर्टिफिशियली दैट मीन्स जिनको मैन मेड ह्यूमन मेड ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, साइंटिस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, लैब में उन्हें प्रिपेयर किया जाता है, वो कौन से कहलाते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो ये बात भी आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की। अब अपन बात करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप के प्रोडक्शन की, कि इनका उत्पादन होता कैसे है या फिर इनका सोर्सेज क्या है। वैसे तो पता चल रहा है कि दो प्रकार के हैं तो दो अलग अलग सोर्सेज होंगे इनके, एक आपका नेचर में मिलेगा और दूसरा आपको आर्टिफिशियली आप उनको प्रिपेयर करोगे। उन्हीं चीज़ों के बारे में एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली, ये चीज़ें हमने केवल वर्बली डिस्कस की हैं, थ्योरेटिकली और कर लेते हैं इनको डिस्कस। प्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, अब अपन बात करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के प्रोडक्शन के। देर आर सेवरल सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, दैट मीन्स कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का कोई एक सोर्स नहीं है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है, सेवरल दैट मीन्स बहुत सारे सोर्सेज हैं।
सम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर प्रेजेंट एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दैट मीन्स कि कुछ नेचर में नेचुरली पाए जाते हैं, दैट मीन्स सोयल, वाटर, रॉक, मिट्टी, पानी या फिर चट्टान, इनमें पाए जाते हैं. तो वो तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन से होंगे आपके? नेचुरल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होंगे. रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ रेडियम, थोरियम एंड यूरेनियम फॉर एग्जाम्पल आर फाउंड नेचुरली इन रॉक्स एंड सोयल. इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने तीन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आपको बताए हैं. रेडियम, थोरियम एंड यूरेनियम आर फाउंड नेचुरली इन द रॉक एंड सोयल. ये नेचुरली प्रकृति के अंदर, रॉक और सोयल के अंदर पाए जाते हैं, दैट मीन्स चट्टान और मिट्टी के अंदर आपको ये मिलेंगे. अदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर प्रोड्यूस्ड बाई ह्यूमन वी आर न्यूक्लियर रिएक्शन विच रिजल्ट इन अनस्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटोन. दैट मीन्स कि इनके अलावा अब अपन बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की. अदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर प्रोड्यूस्ड बाई ह्यूमन, वो ह्यूमन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं. इनका प्रोडक्शन कौन करता है? ह्यूमन करता है, और वो भी किस तरीके से? वी आर न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाता है, और न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के बाद में आपको मिलता है क्या? विच रिजल्ट्स इन अनस्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. दैट मीन्स इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन कराई जाती है ताकि जो न्यूक्लियस है या फिर जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन है उनका जो कॉम्बिनेशन हो वो क्या हो जाए? अनस्टेबल हो जाए. और अनस्टेबल जब होगा तो क्या होगा? वो जो एटम है या फिर वो जो एलिमेंट है वो स्टेबल स्टेट में जाने की कोशिश करेगा, और इसी कोशिश के अंदर वो क्या करता रहेगा? लगातार एनर्जी एमिट करता रहेगा. वन वे ऑफ आर्टिफिशियली इंड्यूसिंग न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन इज बाई बोमबार्डिंग स्टेबल आइसोटोप्स विद अल्फा पार्टिकल. इन्होंने एक वे के बारे में बताया, दैट मीन्स कि न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत तरीके की हो सकती हैं, बट इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक वे बताया, रास्ता बताया, जिसके द्वारा आप आर्टिफिशियली रेडियो आइसोटोप्स प्रोड्यूस कर सकते हो. और वो क्या है? इंड्यूसिंग न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन इज बाई बोमबार्डिंग स्टेबल आइसोटोप्स विद अल्फा पार्टिकल. दैट मीन्स कि जो भी स्टेबल आइसोटोप्स है अगर उनके ऊपर आप अल्फा पार्टिकल का बोमबार्डमेंट कराते हो तो उसके कारण भी क्या होता है कि जो स्टेबल आइसोटोप्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अनस्टेबल आइसोटोप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट मीन्स अब वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बन जाएंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेज. बात होगी सोर्सेज की, ठीक है. अब अपन बात करते हैं यूजेज की. तो यूजेज के अंदर अगर बात की जाए तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है वो बहुत, इनका जो एप्लीकेशन है वो बहुत वाइड है. बट अपना जो डिपार्टमेंट है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, दैट मीन्स रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट है. तो यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे इनके यूजेज की तो केवल और केवल रेडियोथेरेपी की बात करेंगे यहाँ पे. दैट मीन्स जो अपने डिपार्टमेंट से डील करता है उसी की अपन यहाँ पे बात करेंगे. रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैव मैनी यूजफुल एप्लीकेशन. इसके बहुत बार सारे यूजफुल एप्लीकेशंस हैं. इन पर्टिकुलर दे आर सेंट्रल टू द फील्ड्स ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी. दैट मीन्स कि इनको मेनली ज़्यादातर दो कामों में काम में लिया जाता है, एक तो न्यूक्लियर मेडिसिन और एक रेडियोथेरेपी. अब होता क्या है, रेडियोथेरेपी तो आपको पता है, रेडियोथेरेपी के बारे में आप लोगों ने वाइडली पढ़ रखा है, इसके बारे में तो अपना डिस्कस करना भी एक प्रकार से रिवीजन करना होगा. बट अब न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है. इन न्यूक्लियर मेडिसिन ट्रेसर रेडियो आइसोटोप्स मे बी टेकन ओरली और बी इंजेक्टेड और इनहेल्ड इन टू द बॉडी. न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या किया जाता है कि जो रेडियो एक्टिव सोर्सेज है या फिर ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है इनको ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है. हम इनको इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर सकते हैं, सर्जरी के थ्रू इंजेक्ट कर सकते हैं, या फिर ओरली, ठीक है, यानी माउथ के थ्रू इनको इनहेल करा सकते हैं. तो ये बहुत सारे वेज है, दैट मीन्स हमने ह्यूमन बॉडी में इसको इंजेक्ट कर दिया. अब ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद में होगा क्या यहाँ पे कि द रेडियो आइसोटोप्स सर्कुलेट थ्रू द बॉडी और इज टेकन अप ओनली बाई सर्टेन टिश्यूज. दैट मीन्स कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप आपने इंजेक्ट किया है, जो इनहेल किया है, जो ओरली आपने टेकन लिया, वो क्या करेगा? अंदर बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा और स्पेशल जहाँ पे उस जिस रास्ते से आपको जहाँ पे भेजने था वो वहाँ पे जाएगा. इट्स डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ट्रैक्ड अकॉर्डिंग टू द रेडिएशन इट्स गिव ऑफ. और वो जैसे जैसे वो जाएगा
तो उसका जो ट्रैकिंग पाथ है, दैट मीन्स उसका जो पाथ है, जिस पाथ से वो जा रहा है, उस पाथ को हम ट्रैक करेंगे। क्यों ट्रैक करेंगे और कैसे ट्रैक कर पाएंगे? बिकॉज ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है और ये लगातार क्या करता रहेगा, रेडिएशन एमिट करता रहेगा। तो आपको जो रेडिएशन मिलेगी, उन रेडिएशन की सहायता से आप डिटेक्ट करोगे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहाँ पर है और उसके अकॉर्डिंग हम उसके पाथ को पता लगा पाएंगे। दैट मीन्स अब यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए काम में आ रहा है ये चीज़ें, न्यूक्लियर मेडिसिन। दैट मीन्स हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की सहायता से कोई भी पाथ है उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। अपने को पता चल रहा है कि अगर अपन ने यहाँ पे इसको ओरली किया तो ये किस पाथ से होता हुआ और कहाँ तक जाएगा, इन सब के बारे में अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स इसके डिस्ट्रीब्यूशन को अपन डिटेक्ट करते हैं। तो ये तो आपका कौन सा हो गया, न्यूक्लियर मेडिसिन की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि रेडियो आइसोटोप्स की सहायता से हम किसी भी मैलिग्नेंट डिजीज़, किसी भी ट्यूमर, इन सब का ट्रीटमेंट करते हैं, वही क्या कहलाता है, रेडियोथेरेपी कहलाता है। इन रेडियोथेरेपी रेडियो आइसोटोप्स टिपिकली आर एम्प्लॉयड टू डिस्ट्रॉय द डिजीज्ड सेल्स। दैट मीन्स कि रेडियोथेरेपी में हम रेडियो आइसोटोप्स का काम, दैट मीन्स रेडियो आइसोटोप्स को काम में इसलिए लेते हैं ताकि हम कोई भी डिजीज्ड जो सेल है, दैट मीन्स ऐसी सेल्स जिनमें डिजीज कंडीशन हो रखी है, उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकें, उनको डिस्ट्रॉय करने के काम में लिया जाता है। रेडियोथेरेपी इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट कैंसर एंड अदर कंडीशन इन्वॉल्विंग अबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ। रेडियोथेरेपी का काम क्या होता है, इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट कैंसर, कैंसर को ट्रीट करना, या फिर जो अदर कंडीशन जिसके अंदर अबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हो रही है, अबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ ही क्या कहलाती है, कैंसर कहलाती है। बीम्स ऑफ सब एटोमिक पार्टिकल्स सच एज प्रोटोन, न्यूट्रॉन, अल्फा और बीटा पार्टिकल डायरेक्टेड टूवर्ड्स द डिजीज टिश्यू कैन बी डिसरप्ट द एटोमिक एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एबनॉर्मल सेल क्योजिंग देम टू डाई। इन्होंने थोड़ा सा मेथड बताया आपको कि किस तरीके से आप रेडियोथेरेपी अप्लाई करोगे। आपकी जो बीम्स है, जो रेडिएशन बीम है, उनको आप टूवर्ड्स डायरेक्टेड टूवर्ड, दैट मीन्स उनको डायरेक्ट करोगे किसकी तरफ, जो डिजीज टिश्यू है या फिर जो डिजीज्ड सेल है उनकी तरफ। और फिर उनसे क्या होगा कि जो भी एटॉमिक और मोलिकुलर स्ट्रक्चर आपकी अबनॉर्मल सेल की, वो क्या करेगी, डिसरप्ट होगी, डैमेज होगी, क्योजिंग देम टू डाई, और वो ख़त्म हो जाएंगी, मर जाएंगी। ठीक है, दैट मीन्स जो डिजीज्ड सेल और टिश्यू हैं उनको हम डाई करके क्या करते हैं, कैंसर का या फिर इन एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ का ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिकल एप्लीकेशन यूजेस आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टेबल आइसोटोप्स बॉम्बार्ड विद न्यूट्रॉन। दैट मीन्स कि जब अपने मेडिकल फील्ड है जहाँ पे अपन रेडियोथेरेपी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पे अपन नेचुरल रेडियो आइसोटोप्स बहुत कम काम में लेते हैं, या फिर अपन बात करें कि लेते ही नहीं है। अब तो कौन से काम में लिए जाते हैं, केवल और केवल आर्टिफिशियल। पहले नेचुरल काम में लेते थे, अपन ने ये चीज़ें रेडियोथेरेपी में पढ़ी हैं कि पहले जैसा कि अपना रेडियम था, रेडियम अपन काम में लेते थे, बट अपन अब काम में नहीं लेते बिकॉज रेडियम से एक रेडोन गैस निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, और इसकी अगर एवरेज एनर्जी वगैरह की बात की जाए तो वो भी इतनी नहीं थी जितनी आर्टिफिशियल की अपने को मिल रही है। तो यहाँ पे अब अपन आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स ही काम में लेते हैं, दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड, जिनका प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, फ्रॉम स्टेबल आइसोटोप्स, जो कि हम स्टेबल आइसोटोप्स से बनाते हैं। किस तरीके से, बॉम्बार्ड विद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करा के। तो ये अभी तक की अपनी बात हुई रेडियो आइसोटोप्स के इंट्रोडक्शन की, किस तरीके से अपन इनका प्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर इनका एप्लीकेशन क्या है। अब अपन बात करेंगे एग्जांपल्स की कुछ, कि रेडियो आइसोटोप्स के क्या क्या एग्जांपल हैं या फिर कौन कौन से जो कॉमनली काम में लिए जाते हैं। तो इनकी एक छोटी सी टेबल बनाइए, इसके बारे में देख लेना। एलिमेंट, ये कुछ एलिमेंट है इनके आइसोटोप्स की यहाँ पर बात हो रही है। कोबाल्ट 60 सबसे पहले बात की, ये रेडिएशन कौन कौन से निकालता है, बीटा और गामा, इसकी हाफ लाइफ है 5.27 ईयर्स। स्ट्रॉन्टियम 90 की अगर बात की जाए तो ये बीटा रेडिएशन निकालता है, इसकी हाफ लाइफ है 28.8 ईयर्स। सीजियम 137 बीटा रेडिएशन निकालता है, हाफ लाइफ 20 ईयर्स। यूरेनियम 238 अल्फा और गामा रेडिएशन निकालता है 4.5 बिलियन ईयर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूरेनियम की हाफ लाइफ कितनी ज़्यादा है, इसी वजह से यूरेनियम को न्यूक्लियर बोम, एटम बोम, इन सब में काम में लिया जाता है। जो कि आपका, अगर आप देख सकते हो, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी न्यूज़ में कि आपका जो हिरोशिमा का जो अटैक था वहाँ पे अभी भी रेडिएशन मिलती है। क्यों मिलती है? बिकॉज यूरेनियम वहाँ पे यूज़ किया गया था
और वो यूरेनियम क्या है कि यूरेनियम के ट्रेसेस आज भी वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर अपन बात करें कि और कोई सोर्स होता, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट 60 जो स्ट्रोंशियम होता, तो इनकी क्या है कि हाफ लाइफ कम है, दैट मीन्स वहाँ पे उनकी एनर्जी कम हो जाती। बट अगर अपन बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम की एनर्जी हाफ कितनी होगी, दैट मीन्स जो भी उसकी एनर्जी है उसका हाफ कब होगा, 4.5 बिलियन ईयर्स बाद में, ठीक है। प्लूटोनियम 239 अल्फा गामा रेज निकालता है, 24,100 ईयर्स। अमेरिकियम 241 अल्फा 2,432 ईयर्स। तो ये सब आप डिस्कस कर लेना इनको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। और भी अगर इसमें कुछ रह गया हो सिलेबस में, एक बार इसको मैच कर लेना, अगर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में कुछ रह गया हो तो बता देना, वो भी करा देंगे। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। थैंक यू।